Road Safety World Series Season 2, co-powered by Paytm se UPI. Digital sponsor, Fair Play News, Khel Ja and Mutual Fund Sahi Hai. Namaskar, Vanakkam, Sat Sri Akal. Swagat hai aapka Prabhu, Road Safety World Series Season 2 mein. Thodi der pehle toss hua hai. India Legends ke captain Sachin Tendulkar ne toss jeeta hai aur pehle ballebazi karne ka faisla kiya hai. सुनील और ये देखिए टीम भारतीय इंडियन लेजेंड्स की, ये है साउथ अफ्रीकन लेजेंड्स की टीम पहले मैच के लिए. जॉन्टी रोड्स की अभी हमने बात सुनी थी टॉस में. चलिए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर उतर रहे हैं मैदान में एक बार फिर से भारत की पारी ओपन करने के लिए. और साथ में है नमन ओझा. ऐसा लगता नहीं कि कितने साल हो गए सचिन को रिटायर हुए. चलिए तैयार हो जाइए रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज सीजन 2 के लिए. और भारत का खाता खुल गया है प्रभु इस बड़ी वाइड के साथ. और चौका आएगा, पहला चौका इंडियन लेजेंड्स का रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का पहला चौका. शॉट, एक और चौका. ओह क्या शॉट है, लॉन्ग ऑन पीछे नहीं था और चौका मिल जाएगा तेंदुलकर को. और जैसे ही बॉल थोड़ा सा पुराना होगा ऐसे शॉट्स मुश्किल हो जाएंगे लगाने पर. इस समय नई बॉल की पूरा पूरा फायदा उठाना चाह रहे हैं. कुतुब मीनार है ये गेंद और उसके बाद ड्रॉप भी कर दिया गया है. उठाकर मारा है फिर ऑफ साइड में, मिड ऑफ का फिंगर उसके नीचे है और उसी के साथ ये आउट. बहुत बढ़िया कैच लिया डीप मिड ऑफ पर, पीछे की तरफ जाते हुए बोथा ने ये कैच लिया था. बहुत बढ़िया कैच और तेंदुलकर को वापस जाना पड़ेगा पवेलियन में. पहली विकेट खोई भारत लेजेंड्स ने 46 रन के स्कोर. और बढ़िया शॉट, ये बहुत ही बढ़िया पोजीशन में आते हैं ये शॉट खेलने के लिए सुरेश रायना. वंडर बैथ बॉलिंग कर रहे हैं. ये ड्राइव किया आउटसाइड में लेकिन बहुत बढ़िया कैच पॉइंट की तरफ. सीधा ड्राइव करने की कोशिश की थी स्क्वायर ड्राइव लेकिन गेंद की पिच तक नहीं थे, बैट थोड़ा स्लाइस हो गया और इसी कारण गेंद पॉइंट पर कैच के रूप में गई और ये आउट. 52 इंडिया लेजेंड्स. ये शॉट ऑफ लेंथ और बैक फुट पर जाकर खूबसूरती के साथ स्क्वायर कट कर दिया 4 रन के लिए. बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक बिन्नी का. आप बात कर रहे थे शॉर्ट बॉल, जबरदस्त स्ट्रोक. ये शॉट ऑफ लेंथ और बैक फुट पर जाकर आराम के साथ टर्न कर घुमा दिया उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 4 रन. क्या शॉट है लेकिन कमजोर गेंद और बिल्कुल सही नसीहत. इस बार उठाकर मारने की कोशिश की थी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए. क्या स्ट्रोक है, व्हाट अ स्ट्राइक, अद्भुत स्ट्रोक. और बहुत बढ़िया शॉट, एक और छक्का. पावर स्टुअर्ट बिनी के बल्ले से. अब एक और ऊपर से शॉट लगाया है और बड़ा छक्का एक और आसानी से. तो अब लगता है कि तालमेल जो है ना पिच का जो कैलिब्रेशन कहते हैं जिसे, वो स्टुअर्ट बिनी की हो चुकी है विकेट से 11 ओवर के बाद 99 में. तो बहुत बढ़िया शॉट हाथों के बीच में से, बहुत अच्छी कोशिश. तो जब पहले आप बल्लेबाजी करते हैं तो आप एक और छक्का. अब देखिए जो शॉट्स में दम जो आ रहा है, पावर जो आ रही है, वो तो तालमेल जो है, वो लय जो है पिच के साथ बल्लेबाज की बननी जरूरी है. करारा शॉट है ये, एक और चौका है भारत के लिए. और जब सुरेश रैना इस तरह से हाथ खोले सीधा फील्डर
हाथों में भी कैच दे दिया है। क्राउड का रिएक्शन एकदम से ऐसा हुआ जैसे मरघट में मौजूद हो, उत्साह से सन्नाटे में चले गए हम। अच्छी पारी एक सुरेश रैना की, और रिटायर होने के बाद डेब्यू जबरदस्त रहा, 33 रन बनाए उन्होंने और 116/3 भारत ने स्कोर। उठा के मारा, मुझे लगता है कि शायद इतनी ताकत नहीं, और बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल बाउंड्री पे जैसे सुरेश रैना आउट हुए थे, और पेस नहीं थी बॉल पे, और बिना सेट हुए शुभराज ने मारने की कोशिश की, टीम के लिए बैटिंग कर रहे थे। और उन्होंने ये लॉन्ग ऑन के आसपास के एरिया को टारगेट किया है 4 रन के साथ। स्टुअर्ट बिनी जो बहुत देर बाद स्ट्राइक पे आए हैं, चौके के साथ उसका जश्न मनाया है। इंतजार किया और बैकफुट पर जाकर पुल कर दिया ऑन साइड में, मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से चार रन के लिए, क्योंकि ये पिच ऐसी है जहां पर कि ये अंदाजा लगा लेना बहुत जरूरी है कि किस स्पीड से किस उछाल से बॉल आएगी। और वो अब अच्छा खासा हो चुका होगा स्टुअर्ट बिनी को, जो कि अपने 50 रन जिन्होंने पूरे किए, केवल 31 बॉल्स पर ये 50 रन पूरे किए। हालांकि जब शुरू शुरू में आए थे तो इतने अच्छे स्ट्रोक्स नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बिताते चले गए। उठाकर मारा है ऑन साइड में लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए, क्या स्ट्रोक है, क्या स्ट्राइक है, बल्ले के बीचों बीच से बॉटम हैंड का बढ़िया उपयोग, टाइमिंग बेमिसाल। इस बार फिर से जोरदार स्ट्रोक, जबरदस्त टाइमिंग और बहुत दूर गई, एक और सिक्स। ये स्टुअर्ट बिनी की खासियत रही है, बहुत बड़े हिटर रहे हैं। और इस बार उठाकर मारा है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए, क्या स्ट्रोक है, क्या टाइमिंग। लॉन्ग ऑफ का फील्डर वहां पर खड़ा था, लेकिन केवल दर्शक की तरह उसको देखता रह गया। और फिर उठाकर मारा है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, और फिर वही हाल, बॉलर फिर से बेहाल। और इस बार यूसुफ पठान की बारी, क्या बढ़िया स्ट्रोक उन्होंने लगाया है। पठान ने उठाया बॉलर के ठीक ऊपर से 6 रन के लिए, क्या स्ट्रोक है, बिल्कुल सीध में बॉलर के ठीक सिर के ऊपर से शॉर्ट ऑफ लेंथ और बैक फुट पर जाकर पुल किया ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर से, क्या स्ट्रोक। और अगली गेंद फिर से बढ़िया टाइमिंग और एक और सिक्स, क्या बढ़िया अंत किया है अपनी इनिंग्स का। 15 गेंदों में 35 रन बनाए यूसुफ पठान ने, और 20 ओवर समाप्त हुए। भारतीय टीम ने टारगेट दिया है जो वो है 218 दक्षिण अफ्रीका के लिए। चलिए तैयारी साउथ अफ्रीका लेजेंड्स की इस बल्लेबाजी की रन चेज के लिए, कितना स्विंग करवा पाएंगे इरफान। मूवमेंट है प्रभु, पहली ही गेंद बाहर की तरफ गई थी। स्विंग हुआ बॉल पर, बहुत बढ़िया कनेक्शन नहीं हुआ, ऐसा लगा कि हल्का स्विंग जो हुआ वो मिडल नहीं कर पाया उस बॉल को। जगह बनाई है और गैप ढूंढा है वैन विक ने, जगह बना के पुल किया है इस बार, फील्डर है डीप में, ओ हाथ आया मुना लगा, जो पेस से है वो हटाई गेंदबाजी से, पर अगले गेंद पे फिर से नॉर्मल गति की जो गेंदबाजी की है वो रास आ गई बल्लेबाज को। शॉर्ट बॉल थी इस बार, बहुत ज्यादा रूम था जिसका पूरा फायदा उठाया पुटिक ने। लेग साइड में मारने की कोशिश की थी और आउट, एलबीडब्ल्यू बिल्कुल लेग और मिडिल स्टंप पर थी, और गेम को कहते ना कि स्पिन के खिलाफ मारने की कोशिश की ऑन साइड में, स्लॉग स्वीप करने की कोशिश की थी।
एक कारण तो यह भी है कि कानपुर के मैदान पर उन्होंने काफी क्रिकेट खेली है, लेकिन इस बार पूरा फायदा उठाया पुटिक ने। उत्साह और एक वातावरण ऐसा लग रहा है जलसा हो, और यहाँ पर आउट, मिड विकेट पर सीधा कैच गया। जैसे ही उठाने की ताकत और स्ट्रोक लगाने की कोशिश की कैच के रूप में, और उसी के साथ ये दूसरा विकेट गिर गया है साउथ अफ्रीका लीजेंड्स का। कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन है, और ये कदमों का इस्तेमाल करके इनफील्ड के ऊपर से खेला है, बेहतरीन छक्का पीटरसन का। इस बार बदला ले लिया प्रज्ञान ओझा ने, तकरीबन वैसी ही गेंद, लेकिन ऑन साइड में खेलना चाहते थे पीटरसन। तकरीबन ऐसी ही बॉल पे छक्का पड़ा था, इस बार चौका मिलेगा। हेनरी डेविड्स, पहली बाउंड्री उनके लिए, और ग्रीन बॉल, सीधी बॉल मिस कर गए, धीमी आई, रूम बनाया था पर उसकी धीमी गति को पढ़ नहीं पाए। गेंदबाजी में जो परिवर्तन किया सचिन तेंदुलकर ने वो सफल हुआ है, पांचवा झटका लगा साउथ अफ्रीका लेजेंड्स को। ओ, ये गेंद कहां जाएगी, बढ़िया शॉट था, और काफी देर बाद ऐसा शॉट देखने को मिला है साउथ अफ्रीका लेजेंड्स की तरफ से। छक्का खाया जरूर था लेकिन हौसला नहीं टूटा। अंतिम गेंद पर मुनाफ पटेल भी विकेट ले गए हैं, पहली कामयाबी उनके लिए। दुनिया के लोग उन्हें पसंद करते हैं, और इस बार रिवर्स स्वीप किया स्क्वायर लेग के ऊपर से, खूबसूरती के साथ चार रन के लिए, बढ़िया स्ट्रोक, ये पहले से देखभाल लिया, समझ लिया, और अपना अनुभव पूरा ताक पर लगाकर सुंदरता के साथ रिवर्स स्वीप, और अपील, और उसी के साथ आउट लेग बिफोर। ये बिल्कुल लेग और मिडिल स्टंप पर थी, और वैंडरवेल्स अपनी क्रीज में पकड़े गए, ना फ्रंट फुट पर ना बैक फुट पर, वहीं से हाथ चलाने की कोशिश की। शॉर्ट बॉल थी, पुल किया उसे, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है, एक बाउंड्री यहां पर मिलेगी, फिर से काफी शॉट, और बैकफुट पर जाकर फिर से पुल किया, बैकफुट स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, और फिर चार रन जॉन्टी रोड्स के। जॉन्टी रोड्स, ये बॉल लेग स्टंप उखड़ कर नीचे गिर गया, और इरफान पठान प्रसन्न हो गए। ये गेंद फिर से अंदर की तरफ आई लेफ्ट आर्म की, और साफ बोल्ड हो गए। गेंद को इस तरफ स्विंग कराते हैं, और इस बार सुंदरता के साथ उठा दिया है छह रन के लिए। क्या स्ट्रोक है ये, अद्भुत स्ट्रोक जॉन्टी रोड्स का, तबीयत खुश हो गई लोगों की, तजुर्बा और कलाकारी सभी था। और यहां पर बोल्ड, ये एंटनी ने जैसे ही आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, गेंद की लाइन पूरी चूक गए, मुनाफ पटेल ने उनका लेग स्टंप हिला दिया, और ऊपर की गिल्ली गिर गई, और इस बार सुंदरता के साथ उठा दिया रिवर्स स्वीप करके, अद्भुत स्ट्रोक, क्या बढ़िया टाइमिंग के साथ, और कितना बढ़िया इरादे के साथ उन्होंने। एक्टिव क्रिकेटर्स होते तो भी उन्हें ये तकलीफ होती, और इस बार ये कैच ड्रॉप हो गई, अच्छी कोशिश थी वहां पर स्टुअर्ट भी ने की, और इस बार बॉलर के ठीक पास से ड्राइव किया है सुंदरता के साथ, चार रन साउथ अफ्रीका लेजेंड्स की। इस तरह के बैट्समैन को ऊपर बैटिंग करने आना चाहिए था, ताकि एक मौका बन सकता मैच को जीतने का, और इंटरेस्ट ज्यादा रहता है उस मैच में, लेकिन ये तो शुरू से ही ऐसा लगने लग गया कि एक औपचारिकता ही रह गई है। हालांकि 218 रन का टारगेट किसी भी टीम को चेस करना एक बहुत बड़ा टारगेट है किसी भी टीम के लिए, लेकिन उसके बावजूद अगर एक अटेम्प्ट हो, एक कोशिश हो जिसमें लगे कि हाँ कोशिश हो रही है, तो फिर एतराज़ नहीं होता। साउथ अफ्रीका लीजेंड्स कभी भी इस मैच में दिलचस्पी के साथ बना ही नहीं था, और मैच बराबरी का कहीं भी बना नहीं। और ये है मैच की समरी,
इंडिया लेजेंड ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया। 20 ओवर में 217 रन बनाए, यानी कि 218 रन का टारगेट दिया दक्षिण अफ्रीका लेजेंड्स को। 156 पर 9 बनाए 20 ओवर में लेजेंड्स ने दक्षिण अफ्रीका के। 61 रन से इस मैच को जीता इंडिया लेजेंड्स ने। और चलते हैं फ्लैश इंटरव्यू के लिए।